पांच साल तक राजनीतिक तौर पर बेरोजगार भाजपा चुनाव आते ही लोगों को भ्रम के जाल में फंसाने के लिए सक्रिय हो गई है। कुछ दिन पहले कहा गया था कि हम लोग घोषणा पत्र की घोषणा कई चरणों में करेंगे, इससे बीजेपी की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये बातें जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। मौके पर उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए गठबंधन की सरकार की योजनाओं का कॉपी करने का आरोप लगाया। बातचीत जारी, अभी जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ ही दूर में, लगभग आधे किलोमीटर दूर में, नहीं मालूम किसके जमीन पर बनी एक रेस्टोरेंट है जो कैब्स के नाम से जाना जाता है। वहां पंचतंत्र की कहानी बातचीत जारी है। वहां विक्रम बेतालों का एक झुंड जो पंचजन्य से पढ़े हुए लोग हैं, पंचजन्य एक मासिक पत्रिका है आरएसएस का, उसके शब्दों से पिरोए हुए पंच प्रण के नाम से, मतलब उसको समझा जा सकता है कि वो एक प्रपंच है, उसके नाम में ही प्रपंच दिख गया। पंचतंत्र की कहानी में हम लोग बहुत सारे प्रपंच देखे। जब विक्रम बेताल को कंधे पर लेकर जाता है, फिर ऐसा ऐसा प्रपंच होता है कि फिर से बेताल उसके कंधे से उड़कर फिर से वृक्ष में चल जाता है। वो पंचतंत्र की कहानी अभी बाची जा रही है, कुछ देर और बाची जाएगी, क्योंकि पांच साल तक लोग राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए थे। और लोकतंत्र में हमारा ये अवसर आता है कि हर पांच साल में लोग रोजगार की तरफ